फ्रेंड्स वेलकम टू शांतनु भास्कर। आज इस वीडियो में विंटर प्रिकॉशन के लिए मैं एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक ज़बरदस्त प्रोबायोटिक एक ही साथ आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ, वो है इचिनेशिया मदर। इचिनेशिया अपने आप एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है जो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, RBC काउंट को बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ खून में अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई भी वायरल है या कुछ भी ऐसे इन्फेक्शन है उसको भी दूर करते हैं, उसके साथ साथ बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इम्यून सिस्टम अगर आपका बार्स का स्ट्रॉन्ग होगा तो विंटर में जो मेन प्रॉब्लम है, दो मेन प्रॉब्लम है जिसका एक सब प्रॉब्लम भी है, एक है सर्दी जुकाम लगना और दूसरा है इंडाइजेशन प्रॉब्लम, और तीसरा है ये दोनों अगर एक साथ हो जाए तो क्लैम्प पकड़ना मतलब खिंचाव पैदा होना शरीर। नौकरी के साथ साथ अगर आपका यूट्यूब चैनल का भी इच्छा है, जो आप भी खुद भी खुद का नेम फ्रेम हो, खुद का भी प्रोडक्ट है या सर्विस आप ग्रो करना चाहते हो, तो ऑलरेडी मैंने ये कैसे करना पड़ेगा बहुत दिन से सोच रहे हो लेकिन डर भी रहे हो या लोग कैसे सोच रहे हो, ये सारी चीज़ में आपका ख्याल जा रहा है, तो बिजनेस विद शांतनु चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। इससे मैं फ्री में आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे एक चैनल को ग्रो करना है, कैसे आपको प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ काम पे लगा के आप अच्छा खासा एक सही इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नौकरी से नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा इनकम की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बिजनेस विद शांतनु, एक प्रॉपर चैनल कैसे आपको बनाना चाहिए, कैसे आपको काम करना पड़ेगा, कैसे आपको कंटेंट को डिलीवर करना पड़ेगा, कैमरा फेसिंग कैसे करना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में मैं सिखाऊंगा, वो भी एकदम एब्सोल्युटली फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये चैनल नहीं शांतनु भास्कर को नहीं, नीचे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मैं भी दिखा रही हूँ बिजनेस विद शांतनु, गूगल में भी लिखिए या यूट्यूब में भी लिखिए और चला आएगा। सब्सक्राइब करके अगर ऑलरेडी आपका चैनल है लेकिन आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, ग्रोइंग स्टेज में नहीं हो, तो वहाँ पे भी आपको कैसे ग्रोइंग स्टेज मिलेगा वो भी आप जानकारी हासिल कर सकते हो। नमस्कार। जिससे लॉन्ग टाइम पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये एक साइंटिफिक वे में बोल सकते हैं, एपिलेप्सी भी देख सकते हो। एपिलेप्सी का विंटर में भी होना मतलब हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, जैसे समर सीजन में एपिलेप्सी देखने को मिलता है। एपिलेप्सी का बहुत सारे रीज़न है, न्यूट्रिशन गैप, उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन का खतरा बॉडी में बढ़ जाने से, क्योंकि आपका बार्स मान लीजिए लगातार लूज मोशन कर रहे हैं, आप ख्याल ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है ये नॉर्मल बात है, लेकिन जब भी कोई लिक्विड पॉटी निकलता है शरीर का जो लिक्विड पोर्शन है उससे लिक्विड निकलना चालू हो जाता है, तो उसको अगर स्टेबल ना किया जाए तो एक जब उसका जो लेवल है वो डाउन में चले जाने से वहाँ से खिंचाव पैदा होगा मतलब बॉडी में सूख जाएगा, उसी के चलते भी एपिलेप्सी या मिर्गी आप देख सकते हो। और विंटर में होने का कारण यही है, इस टाइम पे पानी कम मतलब बार्स कम पानी पीते हैं, जिसको इसको इंटरेक्ट करना चाहिए, इसीलिए सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए आप, स्प्राउट फूड में ध्यान दीजिए, वेजिटेबल्स में ध्यान दीजिए जिसमें पानी का मात्रा हो, सूप प्रोवाइड कीजिए, ग्रीन टी प्रोवाइड कीजिए, ग्रीन टी के ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, फिर भी ग्रीन टी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो और भी कोड लेवल वीडियो बनाऊंगा, जो बार्ड्स को क्यों ग्रीन टी देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। बाकी इससे चलते जो इचिने मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, जो खिंचाव पैदा मतलब एपिलेप्सी, इचिनेशिया उसमें भी काम करती है। इचिनेशिया शरीर इम्यून सिस्टम को और बैक्टीरिया वायरस को भी रोकते हैं, इसीलिए सर्दी जुकाम में एक्वानाइट के साथ आपको इचिनेशिया को देना चाहिए। यह इचिनेशिया को आप इंडिविजुअली हर दिन सुबह गुनगुना गर्म पानी में प्रोवाइड कीजिए, हर दिन दिन में एक बार ही करके दीजिए, लेकिन रेगुलर अभी 15 डेज कीजिए, देखिएगा आपका बार्स का इम्यून सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इचिनेशिया देने का यही फ़ायदा है, आपका बार्स का जितना ब्लड दूषित होगा मतलब सुरक्षित रहेगा, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं करेगा, खून एकदम साफ होगा, उसमें इम्यून सिस्टम बढ़ता है, RBC काउंट भी बढ़ता है, RBC काउंट बढ़ने से बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ता है, या RBC जो होता है ना रेड ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट WBC दोनों में काम करते हैं। इसलिए इचिनेशिया एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, कोई भी लेवल का एंटीबायोटिक में इचिनेशिया को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बार्ड्स का क्रॉप इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ पे आप एलोपैथिक यूज़ कर सकते हो, बहुत लोगों को मैं एलोपैथिक सजेस्ट करता हूँ, जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 या एजिथ्रोल 100 जो एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप का, उससे अलावा मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ नहीं करता हूँ एलोपैथिक में, और इससे बहुत बढ़िया काम भी होता है। इचिनेशिया ऐसे क्रॉप इन्फेक्शन में बेबी हुआ है, क्रॉप भर जा रहे, क्लियर नहीं हो रहा है, बेबी होने के बाद आप सही से नेस्टिंग नहीं किए हो या ठंडा हवा लग रहा है, ऐसे चलते
सर्दी जुखाम या बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो बच्चा अगर घर में है, एक दिन का बच्चा हो या 10 दिन का बच्चा हो, इचिनेशिया को कंटिन्यू रखिए, दिन में एक बार करके गुनगुना गर्म पानी में प्रोवाइड कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना कोई भी मेडिसिन को, जैसे ये सारे मेडिसिन एक हेल्थ टॉनिक हिसाब से भी माना जाता है, इचिनेशिया को हम लोग कोई भी किस्म का रोग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए खून पे कुछ इन्फेक्शन हो जाने से आपका स्किन पे कुछ रैसेस वगैरह निकलता है, जो हम लोग लगता है जो गर्मी के सीज़न में हम लोगों के लिए बॉडी में जो हम लोग बोलते हैं ना पिंपल्स होता जाता है, मुंह में होता है, सारा शरीर में बदन में लाल लाल धब्बा हो जाता है, ये एक मतलब गर्म का एक रोग है। लेकिन कभी कभी खून में इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रो हो जाने से आपका बार्स के शरीर में फेदर निकल जाएंगे और खून मतलब स्किन जो है रैसेस वगैरह जैसे लगेगा, इससे इचिनेशिया लगा भी सकते हो और उसके साथ साथ आप पानी पीने के पानी में भी दे सकते हो। विंटर में जो ड्राई सीजन है, इसमें इचिनेशिया अपनी फेदर को, डलनेस को बचाते हैं, ब्राइटनेस को बचाते हैं, उसके साथ साथ स्किन को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम का बहुत सारे काम होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैंने इचिनेशिया के बारे में आप लोगों को बताया। छोटे बाट हो बड़े बाट हो सभी को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ अभी सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा इचिनेशिया के साथ कौन कौन सा मेडिसिन आप इंक्लूड करके एक कॉम्बिनेशन बना के विंटर में बहुत फ़ायदा ले सकते हो। तो चलिए आज इतना ही, छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव था। थोड़ा सा शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नया देख रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपके बार्स को सुरक्षित रखने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ वीडियो को अच्छा लगा सही लाइक्स और सही कमेंट्स जरूर करना। नमस्कार।